हिस्ट्री ऑफ स्टीम इंजन, यानी स्टीम इंजन का इतिहास क्या होता है। मैं जानता हूं बुक में आपके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है, फ्री की चीज़ है, ले लो ना। एक बार अगर स्टीम इंजन का इतिहास यहां से देख लेना, दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं स्टीम। अच्छा, स्टीम का जो भाप ना, आज से नहीं, बहुत पहले से, यानी कि ईसा पूर्व से इसका इतिहास चलता चला आ रहा है। ईसा पूर्व से इसका इतिहास में क्या आ जाता है, पहला जो एक ऐसा डिवाइस था, द फर्स्ट डिवाइस इन हिस्ट्री, जो कि स्टीम से चलता था, यानी स्टीम यानी भाप से चलने वाला जो डिवाइस था, दैट इज एओलिपाइल। क्या था बेटा ये? एओलिपाइल। एओलिपाइल जो डिवाइस था बच्चा, एओलिपाइल जो था, ये इन्वेंट किया था हीरो। हीरो कहाँ के? अलेक्जेंडरिया के। कहोगे सर अलेक्जेंडरिया मतलब, अलेक्जेंडरिया एक जगह थी, वहाँ के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हीरो। उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था हीरो। और ये अलेक्जेंडरिया जो बेटा, ये रोमन यानी इजिप्ट में, इजिप्ट के रोमन अंपायर में अलेक्जेंडरिया पाया जाता था। अलेक्जेंडरिया एक जगह का नाम था, वहाँ के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हीरो था। अच्छा, हीरो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब इनका एक ऐसी टीम थी जिसमें आपके यूक्लिड और आपके टॉलमी और आपके ये जो है आपका इराटोस्थनीज, जिसको हम इराटोस्थनीज जिसको बोलते हैं, किसका, आपके इसका जनक इराटोस्थनीज जो होते हैं, ये साइंस में एक ब्रांच है, दैट इज बॉटनी। बॉटनी का जनक किसको माना जाता है? इराटोस्थनीज को माना जाता है। ऐसे विज्ञान, ऐसे विद्वानों के बीच में ये रहते थे, तो समझ रहे हैं। यूक्लिड जिसको आपके ज्योमेट्री का जनक माना जाता है, और आपका क्या था, यूक्लिड ज्योमेट्री, टॉलमी था भूगोल, और ये भूगोल का विद्वान था, ये जो है आपके इराटोस्थनीज, ये वैज्ञानिक थे, विज्ञान के, जीव विज्ञान में मतलब वनस्पति यानी बॉटनी के जनक थे, और ये उन्हीं में रहने वाले थे कौन, हीरो भाई साहब। इन हीरो भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एक मशीन बनाई बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, एक मशीन बनाई जिसमें क्या था कि वो ना एक ऐसे गोला था, वो मशीन क्या थी बेटा, एक गोले थी, उस गोले में, वो गोले में आपको अगर उसकी फोटो दिखाऊं, अच्छा पहले ये जो चीज़ें हैं मैं इसको फटाफट पढ़ लेता हूं कि जो हिस्ट्री है इसका, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट क्या था, इस जो ये जो इन्होंने बनाया था, जो मशीन इन्होंने बनाया, इसका हिस्टोरी डिवाइस बनाया, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था कि हिस्ट्री इज फर्स्ट स्टीम पावर्ड स्ट्रक्चर, यानी इतिहास का पहला ऐसा था कि ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है बेटा, कि इतिहास की पहली भाप से चलने वाली संरचना, इतिहास की पहली भाप से चलने वाली संरचना, यानी कि ऐसी इतिहास की पहली ऐसी संरचना थी जो किससे चलने लगी बेटा, भाप से चलने लगी। अच्छा, इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिमेटिव, इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिमेटिव स्टीम टर्बाइन। इसे प्रिमेटिव, प्रिमेटिव मतलब क्या होता है बेटा, इसे आदिम भाप टर्बाइन के रूप में जाना जाता है। आदिम मतलब प्रिमेटिव मतलब जो पूर्ववर्ती हो ना, आदिम यानी पहले के भाप के टर्बाइन, कहो कैसे टर्बाइन जो घूमता है। अब सुनो मेरी कहानी, ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा समझ में आएगा। देख आपके सामने ये जो पिक्चर आ रही है, देखे इसमें, इसमें एक बॉल है, इसमें गोला है, क्या है बेटा, एक स्फेयर, एक गोला स्फेयर है। इस स्फेयर को दो पाइप के माध्यम से जोड़ा गया है, नीचे जो है ना आग लगी पड़ी है, उसके ऊपर एक कढ़ाई बनी पड़ी है, उस कढ़ाई में क्या है, दो जो पाइप है बेटा, दो जो पाइप देखेंगे, दो पाइप, ये दो पाइप ऐसे, और उसमें गोला लगा पड़ा है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि ये गोले में पाइप इधर से फिट है, ये गोला जो है ना, ये गोला भी खोखला, ये पाइप भी खोखली, दोनों के दोनों खोखले हैं। जो नीचे जो आपका वो दिख रहा है, आपके कढ़ाई जो है आपके सामने, उसमें भरा पानी, क्या भरा है, पानी, नीचे से लगा दी आग। अब नीचे जब बंदे ने आग लगा दी, वो पानी उबलने लगा। ये जो साइड वाली पाइप है, जो साइड में उस गोले को टिका के रखी है उस पर ऐसे करके, ये जो साइड वाली पाइप है ना बेटा, साइड वाली पाइप से भाप जाएगी कहाँ, उस गोले में। अच्छा, अब उस गोले में ऊपर देखेंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे मतलब एक ऐसे और ऐसे, दो जो है मुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर उसका है, जो दो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना बेटा, जब उसके अंदर भाप भर जाएगा गोले में, तो जो अब भाप निकलेगी कहाँ से, निकलने के लिए जगह चाहिए उसको, निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वही जो मुड़ा मुड़ा है स्ट्रक्चर ना, वहाँ से भाप घूमेगी। जब भाप वहाँ से निकलेगी ना, तो वो जो आपका वो गोला है, वो गोला घूमने लगेगा। कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेटा बड़ी बात इसमें यह है कि इस आदमी ने कम से कम भाप का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को घुमाना तो सही समझा, यानी अच्छा टर्बाइन जो होती है, अगर जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे हम आपका कोयले का इस्तेमाल करके या न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करके पानी को भाप में बदलते हैं, फिर वो स्टीम जाती है और टरबाइन को घुमा देती है, जब टरबाइन घूम जाती है तो डायनेमो घूम जाता है, जब डायनेमो घूम जाता है तो बिजली पैदा होती है। यानी टरबाइन को घुमाने का आइडिया किसने दिया, हीरो भाई साहब ने दिया। समझ बात आ रही है आपको,
हीरो भाई साहब ने दिया किसका, टरबाइन को घुमाने, किसी भी चीज को भाप से घुमाने का। मैं टरबाइन नाम नहीं दूंगा इसको, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इसको टरबाइन नाम दिया जाना है। वो तो बाद में लोगों ने बोल दिया कि दिस इज अ प्रिमेटिव टरबाइन, प्रिमेटिव स्ट्रक्चर ऑफ, प्रिमेटिव इंजन ऑफ टरबाइन, ऐसा बाद में बोला। लेकिन फिलहाल इन्होंने इतना तो, इन्होंने एक ऐसा डिवाइस, इनको इतना तो पता चल गया कि भाप का यूज करके हम डिवाइस को घुमा सकते हैं। इन्हीं भाई साहब का इस्तेमाल किया थॉमस सेवरी ने, किसने इस्तेमाल किया इन्हीं की थ्योरी का, थॉमस सेवरी भाई साहब ने। इन्हीं को कहा जाता है द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको देखना है कैसे घन 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 नाचता है, आपको एक वीडियो दिखा दिया जाता है जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कैसे वो जो टरबाइन वो घूमता है, वो जो एलपीएलआई था वो कैसे नाचता है, आपके सामने वीडियो आएगा और ये वीडियो में आप देखेंगे। बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो देखिए, इसमें ये गर्म हो जाता है और इसी तरह से ये घूमना स्टार्ट हो गया। उस समय का वीडियो नहीं है, बाद में लोगों ने इसके डिज़ाइन को पढ़ा और इसको बनाना शुरू किया। भैया ये ना, ये आज के 4000 साल पहले की बात है, आज के जानते हैं कई हजार साल पहले की बात है, मतलब कि इनके 2000 साल बाद तो थॉमस सेवरी ने जो है इंजन बनाया था। इनका ये वो इनका सिद्धांत देने के बाद थॉमस सेवरी भाई साहब ने 2000 साल बाद इसको बनाया था। ये ईसा पूर्व में थे, यानी क्या बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट भाई साहब ये थे। अलेक्जेंड्रिया आज का नहीं, बहुत पुराना था। तो इतने पुराने वैज्ञानिक ने इतनी बड़ी चीज़ दी थी थॉमस सेवरी। अब आगे देख लेते हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ स्टीम इंजन फॉर कमर्शियल यूज, यानी कि पहले आदमी थे यह व्यावसायिक उपयोग के लिए, वह व्यावसायिक उपयोग के लिए भाप का इंजन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। भाप का इंजन बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, थॉमस सेवरी थे। समझ में आता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टीम इंजन या इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, फादर भी लिख सकते हैं, इन्वेंटर भी लिख सकते हैं। इन्हें भाप के इंजन का आविष्कारक माना जाता है। इन्हीं को, अगर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ना कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, तो कभी भी टिक मत लगाना किसके ऊपर, भाई साहब वो जो तुम्हारे इंजन, भाप के इंजन वाले भाई साहब थे ना, उनके ऊपर टिक्की मत मारना। किसके ऊपर टिक्की मारेंगे आप, थॉमस सेवरी भाई साहब। किसके ऊपर मारेंगे, थॉमस सेवरी भाई साहब के ऊपर टिक मारेंगे। क्यों, इन्होंने खोजा था। क्यों, अच्छा इसका यूज़ क्या होता था बेटा, जो इसका यूज़ होता ना, जैसे देखो जो वहाँ पर आपका ये जो इंडस्ट्री बनी थी बेटा, वो इंडस्ट्री ना चलती थी कोयले से, वहाँ पे जो मशीनें चला करती थी वो कोयले से चलती थी। अब क्या था कि जो कोयला वोला, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री जितनी भी चलती है उसमें कोयला बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है एज अ फ्यूल, जो कि नॉन रिन्यूएबल फ्यूल होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है फ्यूल के लिए। इन लोगों को ज़्यादा, अब क्योंकि इनकी इंडस्ट्री ज़्यादा बैठ गई, इनको ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ी। जब ये कोयले की तलाश में घूमे तो इनको जगह मिली, लेकिन उस जगह में पानी भरा रहता था। जो माइंस कोयले की खदान थी उसमें क्या भरा रहता था, पानी भरा रहता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि अब उतनी गहराई से पानी निकाला कैसे जाए, भाई बल्टी बल्टी निकालेंगे तब तो पता चले समय बीत जाना है, आपको बहुत समय लग जाना है। तो ऐसे में इन्होंने ऐसे ही इंजन का उपयोग किया। इन्होंने क्या किया कि जो इंजन बनाया इसका उपयोग किया जाता था किसमें बेटा, जो पानी से भरी माइंस रहती थी, फ्लोडेड माइंस रहती थी, उन माइंस में से पानी निकालने के लिए। तो यूज़ क्या था, टू ड्रॉ का मतलब खींचना, टू ड्रॉ वाटर अप, पानी को ऊपर खींचना फ्रॉम द फ्लोडेड माइंस, यानी कि उपयोग इसका क्या था, बाढ़ वाली खदान में से पानी निकालने के लिए, बाढ़ की खदान में से पानी निकालने के लिए इसका। क्योंकि ये कैसे होता था, देखो बेटा इसमें यह सिद्धांत यूज़ किया जाता था, थोड़ा सा समझ लेना, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। क्या था कि जैसे एक गोला, एक ऐसे पूरा चैम्बर बना रहता था, बंद चैम्बर में हवा रहती थी, बंद चैम्बर में ना क्या रहती थी बेटा, हवा रहती थी। बंद चैम्बर में एक हवा रहती थी, उस हवा को क्या किया जाता था, पूरा बंद चैम्बर रहता था उसको पहले खूब गर्म किया गया, खूब गर्म करके उसमें भाप बना दी गई, ठीक है ना। अब उस चैम्बर को बाहर से ठंडा किया गया, बाहर से उस चैम्बर को क्या किया गया बेटा ठंडा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान, कंडेंसेशन जानते हो ना, कंडेंसेशन किसी भी गैसियस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में बदलना, उसका यूज़ यहाँ पर किया गया। थोड़ा सा लगेगा, समझ जाओगे, एक मिनट में आपके स्लाइड हटाता हूँ, आपके सामने आता तो आपको समझ में आएगा। ये बंद चैम्बर था, इस बंद चैम्बर में पहले हमने भाप बना दी, यानी कि हमने क्या, गैस भर दी, ठीक है ना। अब इस गैप, इसके बाद इस बंद चैम्बर को बाहर से हमने ठंडा करने लगे, इसका टेम्परेचर इस चैम्बर का क्या करने लगे बेटा, ठंडा करने लगे गोले का। जब ये चैम्बर का भाप ठंडा हो जाएगा तो क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो एक जो प्रॉपर्टी होती है आपके मैटर की, यानी द्रव्य की, कि क्या होता है कि टेम्परेचर घटाने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सिंपल सी बात जान लो यार, जब ठंडी पड़ती है
जब ठंडी पड़ती है, ठंडी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे सिकुड़ के नहीं बैठते हैं, ये मतलब एक बेंच पे पांच लोग बैठोगे, गर्मी में दो लोग तीन लोग का भी बैठना दुश्वार कर देते हो, एक बेंच पे पांच, यार थोड़ा सट के बैठो ना भाई, ठंडी लग रही है। तो जैसे ही टेम्परेचर घटता है मॉलिक्यूल पास आने लगते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं तो ही वो गैस होता है, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल अगर दूर है तो वो गैसियस फॉर्म हो जाएगी, जब उसके मैटर करीब आ जाएंगे बेटा तो वो लिक्विड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है। अब ये चैम्बर था, इस चैम्बर में पहले वेपर भरी थी, ठीक है ना, तो अब इसकी सारी वेपर लिक्विड में बदल गई, और ये चैम्बर बंद था। चैम्बर कैसा था बेटा? बंद चैम्बर था। इसकी सारी की सारी गैस किसमें बदल गई? लिक्विड में बदल गई। अब जितना नीचे लिक्विड था वो तो लिक्विड था, लेकिन जो बचा हुआ भाग था ना बेटा, वो हो गया निर्वात। वो क्या हो गया बेटा? वैक्यूम। मतलब ना ही उसमें हवा बची, ना ही उसमें वेपर बची, और ना ही उसमें पानी बचा। कहेंगे क्या मतलब सर? मतलब इस चैम्बर में नीचे तो पानी बैठ ही जाना है। भाई देखो, नीचे पानी बैठ जाएगा ना, जैसे इस चैम्बर में यहाँ तक पानी, पहले क्या था, पहले पूरा पूरा भाप था, पानी यहाँ तक आ गया, जो ये हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया तो वैक्यूम हो गया ना। अब क्या है कि बाहर से एक पाइप लगी रहती है, उस पाइप की टोटी खोल दी जाती है, ये वैक्यूम क्या करता है, पानी खींचने लगता है। क्यों? इस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से पानी खींचा जाता है। समझ बता रही आपको? इस वैक्यूम को, ये वैक्यूम फुलफिल हो जाए, यानी यहाँ पर चीज़ें भर जाएं, इसको भरने के लिए पानी ड्रॉ किया जाता है। इसी का इस्तेमाल किया गया था सेवरी भाई साहब ने, यानी पहले एक चैम्बर को गर्म किया जाता था, उसमें भाप बनाई जाती थी, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता था। देखो इतना मैं क्यों डीप में जा रहा हूँ पता है? क्योंकि इसी को आसान बनाया किसने? वाट भाई साहब ने, जेम्स वाट भाई साहब ने इसी चीज़ को आसान बनाया था। तो ये क्या था? एक बंद चैम्बर था, बंद चैम्बर में पहले भाप बनाई गई, फिर उसको कंडेंसेट किया गया, कंडेंसेट बोले तो उसका टेम्परेचर डाउन किया गया, जब डाउन टेम्परेचर किया गया तो क्या हो गया, आपकी जो ये जो मॉलिक्यूल था, गैस के मॉलिक्यूल पास आने लगे और गैस से लिक्विड फॉर्म में आने लगा, गैस लिक्विड में आने लगी, ऊपर का हिस्सा वैक्यूम हो गया। इस हिस्से को भरने के लिए पाइप से, पाइप की जैसे टोटी खोली गई तो इस हिस्से ने क्या खींचना शुरू कर दिया, पानी खींचना शुरू कर दिया, सुरुक लिया उसने, कहाँ से उसको भरना था ना भाई, तो जब उसने पानी सुरुकना शुरू किया, खींचना शुरू किया, तो इस चैम्बर में पानी भर गया। अब बताओ अगर ऐसे ही एक पाइप नीचे पड़ी है, चैम्बर खींच दिया, तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आ जाते हैं भाई साहब टॉम जो सेवरी भाई साहब के पास, तो इसका यूज़ क्या था, हमने बताया बाढ़ ग्रसित जो भी चीज़ थी, फ्लोडेड माइंस थी, उसमें से पानी को खींचने में। अच्छा इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट स्टीम इंजन, पहली बात तो पहला भाप का इंजन था ये, समझ में आ रही है आपको? पहला ये क्या था बेटा? भाप का इंजन था। ऐतिहासिक महत्व इसका कि पहला ये भाप का इंजन था। देख रहे हैं जो भाई साहब बड़े बड़े चैम्बर बने पड़े हैं, कितना बड़ा चैम्बर देख रहे हैं, वो पाइप भी लगी पड़ी है, फिर इस चैम्बर को गर्म करना, फिर इसको ठंडा करना, इसका जो गैस की गैसियस फॉर्म को ठंडा करके द्रव में बदल के इसको वेपर मतलब वैक्यूम बना देना, फिर बाहर से पानी खींचना, मतलब बड़ा दिमाग लगाया सेवरी भाई साहब ने, इसीलिए तो इनको पापा कहा जाता है। किसका? किसका पापा? अरे वो जो आपका स्टीम इंजन का पापा कहा जाता है। इसके बाद कौन आया बेटा? न्यू कमेन आए। कौन भाई साहब आए? न्यू कमेन इंजन। ये एक न्यू कमेन भाई साहब आए, इन्होंने एक इंजन बनाया जिसको न्यू कमेन इंजन कहा जाता था। ये इसी का एक मॉडर्नाइज्ड रूप था। अगर हम देख लेते हैं इसके इन्वर्टर कौन थे? थॉमस न्यूकमैन थे। न्यूकमैन इंजन के इन्वर्टर कौन? थॉमस न्यूकमैन है। आविष्कारक थॉमस न्यूकमैन, हिंदी वालों के लिए। अच्छा इसका यूज़ क्या था? इसका भी यूज होता था, ड्रॉ किया जाता था किससे बेटा? आपके फ्लोडेड माइंस से पानी खींचा जाता था। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था? फटाफट पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लोगे, हिंदी में भी तो है, वही कहानी है, खींचना उसको, है ना। आगे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था? अच्छा इसमें ना सिलेंडर और पिस्टन का यूज़ हुआ था। किसका यूज होता? सिलेंडर और पिस्टन का। उसका यूज आज भी होता है, यानी ये जो न्यूकमैन भाई साहब ने जो इंजन बनाया, इसमें जो पिस्टन और सिलेंडर का यूज किया गया, अच्छा ये 1700 की बात है, 17 टाइप की, मतलब 18 सेंचुरी की बात है, आज भी उसका यूज किया जाता है, आज भी इसका यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का यही है कि इसने पहला हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेंडर एंड पिस्टन वर यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंजन, यानी इस इंजन में पहली बार क्या सिलेंडर और पिस्टन का यूज किया गया। दूसरा क्या था बेटा? जेम्स वाट आ गया नाम ना, जेम्स वाट भाई साहब आ गया ना, आपको पता है बेसब्री से तुम्हें वाट भाई साहब का इंतजार है। तो जेम्स वाट भाई साहब ने क्या किया? इन्वेंशन, इनके इन्वेंशन को पेव्ड किया। पेव्ड मतलब क्या होता है बेटा? मार्ग प्रशस्त करना, यानी कि जेम्स वाट ने बाद में जो खोज की ना, उस खोज का रास्ता क्लियर हो गया। किसके खोज से? न्यूकमैन इंजन से। कहेंगे कैसे सर, ये तो गजब की इंटरेस्टिंग बात बताई, पहले आप इंजन देख लीजिए। इंजन देख लेंगे, इंजन ये देखें, इनका इस टाइप का इंजन था, इसमें बड़ा स्ट्रक्चर लगा होता है, इंजन थोड़ी ना पढ़ाने आए हैं यहाँ पर, हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। अच्छा लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, इसकी प्रॉब्लम क्या थी बेटा, कि ये जो ना, जो हमने आपको बताया था कि कंडेंसेट करना है, मैंने बताया था ना कि चैम्बर को कंडेंसेट कराया जाता है, यानी संघनित करके उसके जो गैस भाप को लिक्विड में बदला जाता है, इसमें बेटा फ्यूल बहुत ज़्यादा लग जाता था। कैसे? पहले उसको खूब गर्म करना,
फिर इसको खूब ठंडा करना। इसमें बेटा फ्यूल की बहुत ज़्यादा खपत हो जाती थी, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता था, एफोर्डेबल नहीं था, मतलब उसे एफर्ड नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे इस समस्या को क्या किया गया, अब ये जो इंजन है ना बेटा, अभी क्या आता है, ये मैंने आपको सब संघनित करना बता दिया था। आगे हम देखते हैं कि अब इसी स्टीम इंजन, इसमें समस्या ये थी कि इसका फ्यूल बहुत ज़्यादा लग जाना था। अब हम बात आते हैं स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वाट पे, जेम्स वाट भाई साहब ने के साथ हुआ क्या, आगे हम देख लेते हैं। जेम्स वाट भाई साहब ना आपके आपकी जो एक यूनिवर्सिटी ग्लासगो यूनिवर्सिटी थी बेटा, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये ना इनको एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट प्रोफेसर से इन्होंने परमिशन ले ली। किस चीज़ की परमिशन ले ली, इन्होंने परमिशन ले ली कि न्यूकमन इंजन को सही करने की। मतलब ग्लासगो एक यूनिवर्सिटी है बेटा, ग्लासगो यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या ले ली, वहाँ पर ये जाते थे, पढ़ा करते थे और वहाँ पर ये काम करते थे, और वहाँ का एक फिजिसिस्ट के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा भैया एक काम करो, ये न्यूकमन इंजन है, ख़राब है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाके इसको बनाओ। कहा हम देखते हैं तुम्हारा भाप वाप में बड़ा इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा हाँ सर, भाप में तो इंटरेस्ट हमारा बहुत है, अगर दे देंगे स्टीम इंजन बना बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, खराबी है, आज तक वो कभी ढंग से काम ही नहीं किया। तो वही बात है कि व्हाट रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिसिस्ट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और एक न्यूकमन इंजन दैट हैड नॉट वर्क प्रॉपरली, उसने आज तक कभी ढंग से काम ही नहीं किया था। हिंदी में अगर आप देख लें, हिंदी वाली स्लाइड भी देख लो, नहीं गुस्सा जाओगे भाई। वाट को ग्लासगो इंजन में भौतिकी के प्रोफेसर से एक न्यूकमन इंजन बनाने का ऑर्डर मिल गया और जो कभी ढंग से काम ही नहीं किया था। आगे हम देख लेते हैं, दिस इंजन वाज मॉडिफाइड बाय वाट टू गिव, अब देखो इस इंजन को मॉडिफाई, जब ये बना रहे थे ना, जब इन्होंने इंजन बनाया तो वाट भाई साहब ने सोचा यार इसकी एक ही कमी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल लग जाता है, इसीलिए इसका कोई यूज नहीं करता, लेकिन है काम की चीज़ ये, मैं कुछ इसमें ऐसा बना दूँ, कुछ ऐसा चीज़ इसमें डाल दो ना जिसमें इसे फ्यूल कम लगने लगे, मतलब उसको कंडेंसेट करने में कम, मतलब गर्म करने में फिर ठंडा करने में, जो कंडेंसेट का पूरा प्रोसेस है भाप में बदल कर ठंडा करने में, इसमें जितना फ्यूल लगता था वो कम लगने लगे। हुआ बिल्कुल ठीक है यार, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया और इसमें यही इंजन, ये जो मॉडिफाई रूप था उसी इंजन न्यूकमन इंजन का, वो आज भी यूज़ होता है, आज भी क्या होता है बेटा, यूज़ होता है। और इन्होंने किया क्या बेटा कि ही पुट अ सेपरेट, इन्होंने एक सेपरेट कंडेंसर लगा दिया, क्या लगा दिया उसमें, एक अलग से कंडेंसर लगा दिया जो कि कंट्रोल करता था फ्यूल को। हम देख लेंगे इस लाइन को अच्छे से, मैं समझाऊंगा आपको। ही पुट अ सेपरेट कंडेंसर इन न्यूकमन टू वर्क आउट बारबेट एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर इन कूलिंग एंड हीटिंग द सिलेंडर रैपिडली। यानी उन्होंने न्यूकमन जो इंजन था उसमें एक अलग कंडेंसर लगाया ताकि जो ये ऊर्जा है बेटा, इसमें जो ऊर्जा थी वो सिलेंडर को बार बार ठंडा करने और गर्म करने में ज़्यादा फ्यूल आपका ना खर्च हो, इससे कम गर्मी खर्च हो। यही कहानी है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बचा बेटा, फ्यूल बचाया। कहोगे सर कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो पहले से ही लोगों ने बनाया था। देखो बेटा पता है, फ्यूल कम लगना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने 8th में हो तो बेसिकली ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने ज्योग्राफी की पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म आती है, यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसे कुछ ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं जिनको 2030 तक पूरा करने का पूरी दुनिया ने ठाना हुआ है। उसमें एक जो गोल है बेटा वो है क्या, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यानी कुछ ऐसा तरीके भी निकाली जाए जिससे जो बिजली हम यूज़ करें ये पहले एफोर्डेबल हो, एफोर्डेबल का मतलब आपके जेब खर्च में आती हो, पैसा ज़्यादा ना लगे बिजली के लिए, और क्लीन हो। तो सबसे बड़ी बात जान लीजिए आप कि एफोर्डेबल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फ्यूल। अब देखो इस समय पेट्रोल का दाम, समझ रहे हो ना भाई साहब, ऊपर चला गया है, फ्यूल महंगा हो गया, एफोर्डेबल है कि नहीं है ना। अगर ऐसे में कोई आदमी ऐसा आपके सामने आ जाए जो कह दे भाई देखो मैं एक ऐसी गाड़ी बना देता हूँ, एकदम सही एग्जाम्पल जा रहा है, इस समय फ्यूल बहुत महंगा चला गया है, आपको गाड़ी चलाने में हो रही दिक्कत घर पे, कोई आदमी ऐसा आ गया भाई साहब मैंने एक ऐसा पिस्टन बना दिया, एक ऐसा ऐसी कोई टंग एक गाड़ी बना दी, इसमें ना एवरेज की बढ़ गई, मतलब एक बार तेल डालो 150 किलोमीटर तक जाओ, एक बार तेल डालो 150 किलोमीटर तक जाओ, समझ बात आ रही है। गाड़ियाँ मोटरसाइकिल तो पहले भी उसका आविष्कार हुआ है, लेकिन एक बंदा ऐसा निकल के आ गया, उसने कुछ ऐसी गाड़ी बना दी, कुछ ऐसा उसमें तरकीब लगा दी उसने, जैसे इन्होंने सेपरेट कंडेंसर लगाया था कि 1 लीटर तेल डालोगे 150 किलोमीटर तक जाओगे, उसको क्या कहा जाएगा, उसका नाम होगा ना भाई, अरे उसने यार गजब काम कर दिया, मतलब कम पैसा लगने लगा, कम फ्यूल लगने लगा और काम ज़्यादा होने लगा, यही इसीलिए जेम्स वाट का नाम लिया जाता है, समझ बता रही है। जेम्स वाट भाई साहब ने जो काम किया आज भी उसका यूज़ किया जाता है, और इसी चीज़ का यूज़ करके आगे लोकोमोटिव इंजन बना, देखो रेल का इंजन नहीं बनाया किसी जेम्स वाट ने, नहीं बनाया
स्टीम इंजन का इन्वेंटर कौन? थॉमस एवरी। जो मॉडर्न स्टीम इंजन है इसको मॉडर्न, मतलब जो ये कह सकते हैं आप कि जो मॉडर्न स्टीम इंजन बना है, मॉडर्नाइज स्टीम इंजन जो वाकई में यूज होता है, इसको इसमें किसने योगदान दिया? तो आपके जेम्स वॉट भाई साहब ने दिया। क्या योगदान था? इन्होंने ऐसा स्टीम इंजन बनाया जिसमें फ्यूल बहुत कम लगता था। समझ बात आ रही है? फ्यूल क्या लगता था? बहुत कम लगता था। आगे हम देख लेंगे फट से लोकोमोटिव इंजन, उसके बाद ये खत्म है। अच्छा, लोकोमोटिव इंजन बनाया तो जेम्स स्टीफेंस ने था, लेकिन ऐसा था नहीं, इससे पहले एक और बंदे ने बनाया था, उसके पास पैसे कौड़ी की कमी थी। नाम मैं आपके उनका लेके आया हूँ क्योंकि भाई इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के मारे होते हैं, इनके पास मतलब ऐसे लोग थे जिनके पास प्रतिभा तो भर भर के थी लेकिन इनके पास पैसा कौड़ी नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से ये लोग अपना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन हम है ना पढ़ते हैं तो हम आपको नाम ज़रूर बताएंगे, ये चले गए ज़रूर लेकिन अमर रह हो जाएंगे। ये रिचर्ड, इसका नाम क्या था? रिचर्ड ट्रिविथिक। इनका नाम था क्या? रिचर्ड ट्रिविथिक मेड द फर्स्ट यूज़ ऑफ स्टीम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोकोमोटिव्स। इन्होंने पहला ऐसा इंजन बनाया था, बनाने का कोशिश किया था इन्होंने लोकोमोटिव इंजन का, स्टीम इंजन का यूज़ करके, बट पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, गरीब आदमी थे। रिचर्ड ट्रेविरिक को लोकोमोटिव के निर्माण में भाप का पहला प्रयोग, मतलब कि जो ट्रेन से चलने वाले इंजन है इसमें इन्होंने भाप का यूज़ करने का आइडिया सोचा था, करने की कोशिश भी की थी, लेकिन भाई साहब पैसा नहीं था। ये सब करने में क्या लग जाता है? पैसा लग जाता है। ऐसे में भाई साहब एक स्टीफेंसन भाई साहब आ गए, जॉर्ज स्टीफेंसन, पैसे कौड़ी वाले आदमी थे। तो जॉर्ज स्टीफेंसन एंड रॉबर्ट स्टीफेंसन पिता पुत्र थे, बाप एंड पुत्र थे ना ये लोग, तो क्या था, पिता और पुत्र जी लोग थे। जॉर्ज स्टीफेंसन एंड रॉबर्ट स्टीफेंसन आर क्रेडिटेड विद बिल्डिंग अ सक्सेसफुल लोकोमोटिव रनिंग इन 1829 एडी ट्रेन बिटवीन कहाँ से, लिवरपूल से लेकर लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक। कहाँ से बेटा? मैनचेस्टर। फिर आ गया भारत का मैनचेस्टर कौन? अहमदाबाद उत्तर का, कानपुर दक्षिण का, कोयम्बटूर। चलो, ये जो जॉर्ज स्टीफेंसन और रॉबर्ट स्टीफेंसन थे इनको सफल लोकोमोटिव इंजन बनाने का श्रेय दिया गया बेटा, जो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच सन 1829 शताब्दी में वो ट्रेन चली। इन्होंने लोकोमोटिव इंजन बनाया भी और इसको 1829 में जो आपका एक जगह से मैनचेस्टर तक कहाँ तक चला भी दिया, चला के भी दिखा दिया। सो पेटेंट यानी कि इन्वेंटर किसको दे दिया गया बेटा? इन किसको दे दिया गया? जॉर्ज स्टीफेंसन को दे दिया गया। वो बेचारे उनको नहीं मिला, जो आपके ट्रिविथिक थे उन भाई साहब को नहीं मिल पाया। क्या कारण था? कि उनके पास पैसा कौड़ी नहीं था। तो ये आपने देख लिया, आज हमने आपको क्या चीज़ बताई है। वीडियो आज का ज़रूर लंबा हुआ था लेकिन हमने आपको ज्ञान से पूरा लबरेज कर दिया, एकदम एकदम जाओ और सीना ठोक के सवाल तुम मार के आओगे एकदम परीक्षा में, कोई टेंशन नहीं है। हमको लगता है स्टीम से कभी कोई सवाल आ जाएगा ना गलते नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा भी पूछ लिया घुमा फिरा के ना, अच्छा बताओ सबसे पहले स्टीम के बारे में बताया किसने था? हीरो भाई साहब ने बताया था। किसने बताया था? हीरो तो ना, मैं नहीं भूलोगे कभी भाई, है ना। अच्छा, उसके बाद पहला स्टीम इंजन बनाया किसने? थॉमस एवरी ने बनाया। अच्छा, उसके बाद तो ये बताओ कि आपके जेम्स वॉट का क्या योगदान इसमें था? भाई जेम्स वॉट का योगदान ये था कि जो न्यू कॉमन भाई साहब ने एक इंजन बनाया था उसका, जब कोई पूछेगा ना जेम्स वॉट का क्या योगदान था यार, अगर थॉमस एवरी ने बनाया का तुमने सवाल है आधा पूछा है, तुम हमसे पूछो कि जेम्स वॉट से पहले न्यू कॉमन के बारे में हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। न्यू कॉमन ने एक इंजन बनाया जिसमें सिलेंडर और पिस्टन का यूज हुआ। सिलेंडर का यूज किया जाता था बेटा, हाँ ये नहीं बता, सिलेंडर में क्या किया जाता था, उसी सिलेंडर में बेटा भाप को, भाप बना के उसको संघनित किया जाता था यानी कंडेंसेट किया जाता था। अब पिस्टन का काम क्या था? नीचे से पानी खींचना था। समझ पाता है ना, जो सिलेंडर था वो कंडेंसेट करता था, पिस्टन पानी खींचता था। तो कहो अब क्या कि कोई पूछ लिया कि जेम्स वॉट, तो जेम्स वॉट ने क्या किया, वही जो न्यूकमन भाई साहब ने सिलेंडर पिस्टन वाला इंजन वहाँ बनाया था न्यूकमन इंजन, उसको कंडेंसेट करने में बहुत फ्यूल लग जाता था। जेम्स वॉट भाई साहब ने क्या किया, ग्लासगो गए, वहाँ से एक प्रोफेसर थे उनसे आज्ञा ली और उस इंजन को मॉडिफाई करने लगे, उसमें एक सेपरेट क्या डाल दिया, कंडेंसर डाल दिया, उससे क्या फ्यूल कम होने लगा। जब फ्यूल कम लगने लगा तो बताओ आ गया ना, और अगर पूछेगा तो इससे क्या मतलब है फ्यूल कम होने लगा, उसको एक बार उदाहरण दाग देना तुम तरह से कि भैया अगर हम ऐसी गाड़ी तुमको बना दे दें कि एक लीटर तेल डालने में 150 किलोमीटर जाए तो अरे गोड़वे हमारे दब से गिर जाओगे। खौरी भैया बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, क्यों? क्योंकि बेटा फ्यूल बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई एनर्जी बना रहे हैं, मुद्दा बनाना नहीं है, मुद्दा यह है कि आप जेब खर्च यानी एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहानी आपको बहुत आसानी समझ में आ गई। आज हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में हमने बहुत अच्छे खासे इन्वेंशंस पढ़े। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे कारोबारी कंपनियां यानी कैसे ट्रेडिंग कंपनियों को वहां से आज्ञा मिली, भारत कैसे आई, इसके बाद क्या होता है आपका
ये कॉलोनिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं और रेनेसेंस क्या होते हैं, आगे की वीडियोस में ये कंटिन्यू किए जाएंगे। आज आपको सिर्फ मैंने इन्वेंशंस के बारे में बताया था, आपको स्पिनिंग जेनी के बारे में बताया, और भी काफ़ी मशीनें बताई, सबसे ज़्यादा मैंने आपको स्टीम का, हिस्ट्री ऑफ स्टीम बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत हुई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और उन लोगों को बोल दें कि अगर उनको भी ज्ञान से लवरेज होना है या ज्ञान से परिपूर्ण होना है तो इस सनराइज फैमिली के साथ जुड़ जाएं, इस सनराइज फैमिली के साथ जुड़ें, इस सनराइज फैमिली को बड़ा बनाएं। चलिए, आप इस चीज़ के नोट्स आराम से बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।